तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। ललित बैठा है पीछे कार में, ये कल आ गया था यहाँ पे और अब हम लोग जा रहे हैं कार सीखने। पापा कार सिखाएंगे। अभी थोड़ा मिरर वगैरह क्लीन कर रहे हैं और बिट्टू आई नहीं है अभी तक, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग और फिर जा रहे वाले कार सीखने। मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो ये 20 मिनट का इंतज़ार करवाने के बाद आई है, पता नहीं क्यों इतना सच धवर गया, ये कहाँ ही जाना है। ओहो दादी माँ, मेरी टर्न आया तो बुलाता। सीख ली भाई, सीख ली, बस हो गया। भाई देखा तूने गाय को कैसे संभाला? देख लिया, अच्छे से देख लिया, कल भी देखा था, आज भी देख लिया। तेरे खड़े होने से क्या खड्डा कम हो जाएगा क्या? हाँ देखो देखो देखो, चला नहीं आती है ना इसको। क्या किया है? रेस दिया पापा, रिमोट दो तो। रोड पे आइडिया लग जाता है कि खड्डे वगैरह कितने हैं क्या है, क्यों जो रोड रहती है वो तो एकदम सीधी रहती है, उसमें कुछ इतना रहता नहीं है, तो सीखने के लिए बेस्ट है कि इसमें पता लगता है कहाँ गाड़ी धीरे करनी है, कहाँ थोड़ी तेज़ से लेनी है, गड्ढों में कैसे निकालने देती है वगैरह वगैरह। तो यही रहता भाई, है भाई, 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 भाई। लक्की बोल रहे, तू भी बोल दे जाके, मस्त सनसेट हो रहा है, बोलो इसको बताओ कोई, सनराइज हो रहा है या सेट हो रहा है? देखो बकवास बात करने आई है ये, इसने बोला ही नहीं होगा, ये ऐसे ही बोल दी है। हाँ बिट्टू टाइम वेस्ट कर रही है, इसको फोटो लेनी है, बताओ। अरे आएगी अजब। तो कार चला के अभी हम आए यहाँ पे रनिंग वगैरह करने, पूरा खाली जगह है, यहीं पे दौड़ लेते हैं हम थोड़ी देर। बिट्टू दौड़ रही है, वहाँ पे चली गई ऑलरेडी, फिर उसको कैच प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, वो क्रिकेट खेलती है प्रोफेशनली, तो देखते हैं कितनी प्रोग्रेस की उसने। और ललित तो दौड़ने से मना कर रहा है। सो अब ये दोनों रेस लगाएंगे, कुछ ज़्यादा इन लोग का आ रहा है भाई, ललित को पहले से इतना मोटा हो रखा है और हारना चाहता है। चलो करते हैं वीडियो शूट। 1 2 3 भी नहीं बोलने दिया, पहले ही भाग गए। म्यूजिक धक्की जी दिया एज यूजुअल, वीडियो तो को नहीं जोक पसीना पसीना हो गया। तो अभी हम बैठे ऊपर वाले घर में, ललित का ऑफिस चल रहा है, पढ़ा है देखो फिर भी। और आज शाम को हम करने वाले हैं पानी पूरी कॉम्पिटिशन, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा आप लोग, मज़ा आने वाला है। ललित वर्सेस मी, और पवन आएगा शायद, पवन भी हो सकता है। ललित जी रेडी है पानी पूरी कॉम्पिटिशन के लिए? इनको एकदम रेडी है। तो हेलो दोस्तों, आप सब मेरे को जानते ही हैं, मैं हूँ ललित। आज का पानी पूरी कंपटीशन मैंने ही जीता, देख रहे हैं इन दोनों में से जो आजकल के बच्चे मतलब क्या क्या भरम पाल लेते हैं, इनको पता नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने, पानी पूरी कंपटीशन के लिए। ललित जी का ऑफिस का काम हो चुका है, ये तो ऐसे ही है, चलते हैं। माँ और बाकी लेडीज यहाँ बैठ के अपने भजन वजन गा रहे हैं, टाइम पास है उनका। सो गाइज ये लोग कर रहे हैं कंपटीशन और मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, और मेरे को खाना भी नहीं है क्योंकि मेरी डाइट है तो उसे तोड़ नहीं सकते हम। उन्होंने कर दिया है कंपटीशन स्टार्ट, एक लड़की खा चुका है और ये भी खा चुका है, देखते क्या होता है। मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरी डाइट है, हम डाइट वाले इंसान हैं भाई, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते।
गिव अप नहीं खाया जा रहा तो। बस लक्की ने गिव अप कर दिया हो गया इसका। इसने चीटिंग भी करी है, पानी निकाल निकाल के खाया है काफ़ी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इधर इधर, ये तो नजरें ही नहीं मिला पा रहे भाई, बता कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है ये तो, रो दिया आपको कैसा लग रहा है? अभी तो खा रहा हूँ भाई, इसका कमाल है ये देखो अभी भी पानी निकाल रहा है। हो गया खत्म। तो अभी जो जीता है, मतलब ललित जीता है, उसके तो लिए दही पूरी लग रही है। उसके लिए दही पूरी बनेगी। मैं दही पूरी खाने वाला हूँ क्योंकि मैं जीता हूँ, तो मतलब ये दही पूरी और खाएगा। बहुत कैपेसिटी है। बाय। इधर देख के बताओ आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 14 साल हो गए। 14 साल यहीं पे लगा रहे हो? सिखवालों की घड़ी। तो भैया की दुकान है 13-14 साल पुरानी। अगर आप कभी भी ये एरिया में आओ तो यहाँ आके पानी पूरी जरूर खा के जाना। बहुत ही एक नंबर बनाई है भैया ने पानी पूरी। अभी दही पूरी बना रहे हैं, ये भी एक नंबर बनने वाली है, देख के ही लग रहा है। ये है इसकी डाइट, झूठ बोलने वाली। हेलो दोस्तों, तो हमने कंपटीशन कंप्लीट कर लिया है। पानी पूरी उनकी बहुत अच्छी थी, दही पूरी उससे अच्छी थी, तो मैंने 2 प्लेट और खाई फिर। तो ये 40 में ही रह गया 40 इसने 40 की खाई थी, मैंने 80 रुपये खाई थी। और एक प्लेट में 2 प्लेट दही पूरी और खाई है। तो एक प्लेट पानी पूरी में ये घर जाके भी खाने वाले हैं। एक प्लेट में 5 आते, तो मैंने देख लो कितने खाई है। हमने बहुत ही बढ़िया लग रही थी, तो घर के लिए भी पैक करा। मेरा सुनाऊं क्या? मेरे को इन लोगों ने खाने, इसको सुनो ही मत, इग्नोर कटने वाला है यहाँ पे, हम काट देंगे इसको। मेरे को अंकल ने दया करके एक फ्री में दे दी, बोला बेटा तू खा ले, तेरे को ये लोग खाने नहीं दे रहे, तू खा ले। मैं कहा ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो खा ही लेते हैं। कितना बोल दिया, इसको कट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या करते? ठीक है फिर। तो ये ताराचंद है, इसकी सोडे की दुकान है। इनकी रिक्वेस्ट थी पानी पूरी कंपटीशन के बाद सोडा पीने की, तो अभी हम यहाँ आए हैं तारू के पास। तारू भी एक नंबर सोडा बनाता है। पानी पूरी देख के घर भेज दिया, हम सोडा पीने वाले हैं। बिट्टू रह जाएगी सोडे से वंचित बाकी वो गुस्सा करेगी ये ब्लॉग देखने के बाद कि अकेले अकेले पी गया। ललित नमक डलवा रहे हैं भाई साहब, नमक पूछो क्या तो अब हम घूम फिर के जो पानी पूरी और सोडा जो हमने पिया था वो हजम करके आ गए। अब हम खाना खाएंगे थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ डालेगा खाना, कहाँ घुसाएगा। देखो हम बहुत बड़े हैं दिल से भी और ऐसे भी कैसे देखने वाले, अगर कोई मूवी अच्छी आई तो कोई मूवी देखेंगे, वरना अपना सदाबहार तारक मेहता तो नहीं। तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है तारक मेहता में? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो भगवान ने यानी कि मैं जवाब दूंगा तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जेठालाल। क्यों किसी ने पूछा ही नहीं, नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे हो चुकी है बिट्टू और ललित की लड़ाई। मारने की कोशिश की जा रही है, मैम मैम वो ट्रैफिक चाहिए इज्जत, मेरा फोन तोड़ दिया है। है?
कौन है कौन है यार, एक ही है, 200 नया मार थोड़ा क्या। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये सो चुका है देख सकते हैं आप लोग। सो गुड नाइट गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। 300 पहुंचने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 300 तो आप जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हो ही जाएगी, 400 हो गए। बाय।